कांग्रेस ने मंगलवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें शानदार दयावान व्यक्ति बताया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि नेहरू एक बेजोड़ विरासत छोड़ गए हैं, जो भारत की आज़ादी के प्रति उनका गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, और उन्होंने महानता के साथ एक आशावादी लोकतंत्र का मार्गदर्शन भी किया। आज बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का जन्मदिन है, यानी बाल दिवस है। 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बच्चों को काफी प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें चाचा नेहरू भी बुलाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अपनी जिंदगी को काफी रॉयल अंदाज में जीते थे। वे दिखने में काफी साधारण थे, लेकिन उनके रहने का अंदाज काफी शानदार रहा है। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के बड़े वकील थे। नेहरू का बचपन शानदार तरीके से बीता है। कहा तो यह भी जाता है कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के कपड़े लंदन में धुलने जाते थे। नेहरू जी को कारों का काफी शौक था। मोतीलाल नेहरू ने बेटे के लिए विदेशी कार मंगवाई थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद की सड़कों पर यह आने वाली पहली कार थी। एक और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के चहेते चाचा नेहरू का खिलाया फूल आज सरकार की अनदेखी से मुरझा रहा है। देश भर के करीब 30 करोड़ बच्चों के प्रशिक्षण देने का सपना आज कुछ लाखों बच्चों तक ही सिमट कर रह गया है। कभी बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का पहला केंद्र बना राष्ट्रीय बाल भवन आज अपग्रेडेशन की कमी झेल रहा है।